महादेव की आराधना का सबसे पावन और स्वयं महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है, जिसका शिव भक्तों को साल भर बेसब्री से इंतजार भी रहता है। इस बार सावन का यह पावन महीना 22 जुलाई से आरंभ हुआ है और 19 अगस्त रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होने वाला है। खास बात यह है कि इस बार सावन में एक दुर्लभ संयोग भी देखने को मिला है। बता दें कि इस बार सावन का महीना शुरू भी सोमवार से हुआ है और इसका समापन भी सोमवार के दिन होने वाला है। ऐसे में इस बार यदि आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए कई सतर्कता बरतना भी जरूरी है, वरना इस महीने में सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव भी नाराज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में सोमवार के व्रत के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी जरूरी है। बड़ी बात यह है, यदि कोई सावन मास व्रत कर रहे हैं उनको विशेष जो ध्यान रखना है, पहली बात तो वो ब्रह्मचर्य है, दूसरी बात गुड़ है, तांबूल है, दही, नमक, यानी दूध की वस्तु, ये नमक भी नहीं इसमें नहीं है, दूध की बनी हुई वस्तु, दूध का तो बिल्कुल सेवन ही निषेध है। इसके बाद में किसी भी बर्तन में भी भोजन करना भी निषेध है। इसके लिए क्या तो चांदी का ही बर्तन हो उसमें आप भोजन कर सकते हैं, या फिर ये इनको छोड़ करके सबसे अच्छा अगर आप उसका वास्तव में फल लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करें और उनको स्वयं साफ करें, अपने हाथ से खुद ही रखें उनको, तब इसका बहुत अच्छा जो फल मिलेगा। और फिर सारी जो दिनचर्या है वो बिल पर चढ़ाना दीजिए, तो ये पूजा सिस्टम ये दिनों में प्रकृति जो है बरसात हरियाली चाहिए, पत्ती वाली सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, लिखा है ये दूध में अनेक प्रकार की जीवाणु विषाणु ये पत्तियों को खाने से बुखार खाने से उनके शरीर में दुधारू पशु उनके शरीर में जो आ जाता है, तो उनसे क्या है निश्चित रूप से कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना है। ये इसलिए इसमें यही होगा वैज्ञानिक लॉजिक, भगवान इसलिए भगवान को चढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया कि श्रावण मास में सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक भोलेनाथ को दूध चढ़ाना, ये इसीलिए रखा गया। फिर भाई ये वैसे तो काम आएगा नहीं हमारे, इसीलिए भोलेनाथ को चढ़ाया, क्योंकि वो विषधारी है, वो कैसा भी विष जो है कर सकते हैं।